इरफान सोलंकी, जो पिछले काफी समय से जेल में बंद हैं, वो एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इरफान सोलंकी के वकील ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जो पूरे इलाके में चर्चा बटोर रहे हैं। दरअसल एक महिला के प्लॉट में आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की CDR लोकेशन, जो कि पहले कोर्ट ने रिजर्व करी थी, अब वो जांच में शामिल कर ली गई है। इरफान के वकील करीम सिद्दीकी ने पुलिस पर CDR टेम्परिंग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी से मिली भगत करके लोकेशन डाटा के साथ छेड़छाड़ की है, साथ ही लोकेशन का जो कॉलम है उसे ही गायब कर दिया है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी और बाकी विटनेस की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को तलब करने के लिए डिफेंस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसको खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद इरफान के वकील हाई कोर्ट गए और वहां से CDR को तलब करने का आदेश हुआ। वकील के मुताबिक जब कोर्ट में CDR आई तो उसे चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें से लोकेशन का कॉलम गायब है। वकील पक्ष का आरोप है कि टेलीकॉम कंपनी ने पुलिस और प्रशासन से मिले भगत करके टेम्परिंग की है। इरफान में हम लोगों ने डिफेंस एविडेंस की स्टेज पे एक एप्लीकेशन मूव की थी कि इरफान रिजवान और जो कई विटनेसेस हैं उनकी कॉल रिकॉर्ड डिटेल मंगाई जाए, जिससे कि उनकी लोकेशन को ट्रेस आउट किया जा सके। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, उसके अगेंस्ट गए थे हम लोग अनुबेल हाईकोर्ट इलाहाबाद। अनुबेल हाईकोर्ट इलाहाबाद में ऑर्डर हुआ था कि इरफान और रिजवान की CDR तलब कर ली जाए, उस एप्लीकेशन को दोबारा सुना जाए, तो कोर्ट ने उसमें दोबारा ऑर्डर किया और CDR मंगाई। आज हम लोगों को पता चला कि CDR आई हुई है। कोर्ट में जो अवलोकन किया गया है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लोकेशन का जो कॉलम होता है उसको उन्होंने गायब कर दिया है। फिलहाल आज हम लोगों ने कोर्ट से कॉपी मांगी है उस CDR की, और उस CDR को डिटेल में स्टडी करने के लिए टाइम मांगा है। कोर्ट ने मंडे की डेट लगा दी है, पूरी CDR का अच्छे से उसकी स्टडी कर लें, इसके बाद देखते हैं कि उस पर क्या किया जाएगा। हाँ, उस दिन ये आगजनी का केस नहीं था, उस दिन नीचे एक दूसरा केस था जो अकील ने दर्ज कराया था, उसमें गवाही होनी थी, तो अकील से क्रॉस एग्जामिनेशन कंटिन्यू हुए, अकील नहीं आया था, और उसी दिन गैंगस्टर भी लगा था। गैंगस्टर में अभी चार्ज फ्रेम होना है। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो CD की कॉपी हमें उपलब्ध कराई गई है वो इनकम्प्लीट कॉपी उपलब्ध कराई गई है, तो अभी तक हमें कम्प्लीट कॉपी केस डायरी की नहीं दी गई है। केस डायरी की कम्प्लीट कॉपी मिल जाएगी तो फिर चार्ज की स्टेज पर हम लोगों को जो भी कहना होगा तो फिर कहेंगे। देखिए, टेम्पर करके ऐसा लगता है, जो सरसरी तौर पे देखी गई है CDR, कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने पुलिस से मिलके या शासन प्रशासन जिसके इशारे पर भी ये हुआ हो, लेकिन टेम्परिंग करके भेजी गई है, जो कि इलीगल है। डिटेल में कॉपी आज हमें शाम के मिल जाएगी, उसको स्टडी करके फिर देखा जाएगा मंडे को क्या होना है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुरूप कल सर्टिफाइड CDR जो है वो माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है, और ये ऑटो जनरेटेड होता है, और जैसा कि पुलिस उपायुक्त पूर्वी को यह निर्देश दिया गया था कि वे इसे प्रिजर्व रखेंगे और वे इसे न्यायालय को जमा करेंगे, तो न्यायालय के समक्ष नियमों के अनुसार विधि के अनुरूप पूर्णतया प्रमाणित ऑटो जनरेटेड CDR जो कि कंपनी ने दिया है उसे दिया गया है, और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार के भ्रम न फैलाए जाएं और विधि के अनुरूप जो न्यायालय की कार्यवाही है उसके सामने हम सभी लोग लीगली बाउंड हैं कि हम सही सही कार्य करें। दरअसल फोन कॉल करने वाली CDR में लोकेशन और टॉवर मेंशन होता है। फिलहाल अगली डेट सोमवार को है, अब सोमवार को पता चलेगा कि अगली सुनवाई में क्या होता है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा कानपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इरफान के वकीलों के मुताबिक जिस CDR डिटेल्स को हाईकोर्ट ने विवेचना में शामिल करने का ऑर्डर किया था उससे छेड़छाड़ की गई है। यही नहीं, जो CDR डिटेल्स हैं उसमें जो लोकेशन का कॉलम है वही गायब है। आपको बता दें, इससे पहले इरफान सोलंकी द्वारा लोअर कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी कि जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं उसे विवेचना में शामिल किया जाए, जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद इरफान की तरफ से जो वकील हैं वो हाईकोर्ट गए और वहाँ से ऑर्डर कराया। आपको बता दें कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलीभगत करके कानपुर पुलिस ने डेटा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करी और टैम्परिंग करी। इस पर कानपुर पुलिस का कहना है कि जो डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं CDR में वो ऑटो जनरेटेड होते हैं और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ जो पूरी विवेचना है वो नियम अनुसार की जा रही है। इस पूरे मामले में जो पुलिस की पक्ष रखने वाले वकील हैं उनका कहना है कि जानबूझ के पूरे केस में देरी करने के लिए इस तरीके के हटकंदे इरफान सोलंकी के वकीलों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल
कानपुर कोर्ट ने 11 दिसंबर को एक विस्तृत आपत्ति दायर करने के लिए इरफान के वकीलों को समय दिया है। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।